Swayam Prabha, Digital India, Educated India. द्यार्थियों स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के व्याख्यान नंबर सात में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम बात करेंगे कर्मचारी प्रशिक्षण की जिसे हम एम्प्लॉय ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं तो चलिए बात करते हैं क्या क्या चीज़ें आज हम इस विषय में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम बात करेंगे उद्देश्य की ट्रेनिंग का क्या उद्देश्य होता है एम्प्लॉय ट्रेनिंग का उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कंसेप्ट क्या है कर्मचारी प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है क्या ज़रूरत है किसी संगठन को कि वो कर्मचारी प्रशिक्षण कराए उसका महत्व क्या है इसी में आगे हम डिस्कस करेंगे कर्मचारी प्रशिक्षण के प्रकार किस प्रकार से हम इम्प्लॉयी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कर्मचारी प्रशिक्षण के उद्देश्य और प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे इसके साथ साथ नौकरी पर प्रशिक्षण विधियों के लाभ के बारे में हम जानकारी लेंगे बिफोर वी स्टार्ट आ डिस्कशन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस व्याख्यान को पढ़ने के बाद क्या उद्देश्य पूरे होंगे क्या ऑब्जेक्टिव हैं जो आप अटेन करेंगे इसको पढ़ने के बाद आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे ट्रेनिंग डिज़ाइन प्रोसेस के विभिन्न प्रकारों को जिस प्रकार से कर्मचारी प्रशिक्षण तैयार किया जाता है वो किस तरीके के तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं उसके बारे में हम जानकारी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी इस व्याख्यान के बाद दूसरा आप विभिन्न प्रेस विद्यार्थियों को वृगी कर पाएंगे जिसमें कि आप क्लासिफाई कर पाएंगे कि वेरियस ट्रेनिंग मैथड्स कौन से हैं इसके साथ ही आप पॉइंट आउट कर पाएंगे कि ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जो ट्रेनिंग में अफेक्ट करते हैं जब भी कोई संस्थान ट्रेनिंग के बारे में बात करती है या ट्रेनिंग देना चाहती है अपने कर्मचारियों को तो किस तरीके से जो फैक्टर्स हैं वो उनको इफेक्ट करते हैं साथ ही आप जान पाएंगे कर्मचारी प्रशिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों के बारे में इसके साथ आपको जानकारी होगी कर्मचारी प्रशिक्षण के महत्व को जानने और उसको सहारने की एंड यू विल ऑल्सो बी एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑन दी जॉब एंड ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मैथड ये बहुत महत्वपूर्ण है इस व्याख्यान के बाद आप जान पाएंगे ऑन दी जॉब मैथड्स क्या हैं और ऑफ दी जॉब मैथड्स क्या हैं जिसके द्वारा हम कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे सकते हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से ट्रेनिंग क्या है आखिरकार प्रशिक्षण कामदेशित व्यवहार के अनुक्रमण को सीखने की एक प्रक्रिया है ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप एक सीक्वेंस फॉर्म में नए नए विभिन्न प्रकार के बिहेवियर को नॉलेज को स्किल्स को आगे सीखते हैं उसके साथ ही एक ऐसी एप्लीकेशन है नॉलेज की जो लोगों को अवेयरनेस देता है जो उनको हेल्प करता है उनके कार्य को करने में इट प्रोवाइड्स दी अवेयरनेस ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर टू गाइड देयर बिहेवियर किस तरीके से कार्य करना है संगठन में कार्य करने के क्या नियम हैं किस तरीके की नॉलेज किस तरीके की स्किल्स की, की उनको ज़रूरत पड़ेगी वो सारी चीज़ें ट्रेनिंग से मिलती हैं इसके अलावा ये कर्मचारियों को ज्ञान देता है उनके कौशल और उनके दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है तो किसी भी संगठन में संस्थान में कर्मचारियों का प्रशिक्षण इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वे कर्मचारियों के ज्ञान को उनके कौशल को और उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाता है अगर हम इसके प्रोसेस की बात करें ये ऐसी प्रक्रिया है जो कौशल में सुधार करने या ज्ञान के मौजूदा स्तर को जोड़ने का प्रयास करती है ताकि कर्मचारी अपने वर्तमान कार्य को बेहतर ढंग से करने के लिए सुसज्जित so, हो या उसे उच्च जिम्मेदारी वाले उच्च कार्य के लिए उपयुक्त बनाया जा सके ये कर्मचारी के पास क्या है और नौकरी की मांग क्या है कि बीच में अंतर को पाटता है ट्रेनिंग क्या करता है इम्प्लाइज़ की स्किल्स को बढ़ाता है ताकि जो भी उनके कार्य में उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने बात की थी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन की किसी भी कार्य को करने की उसकी जिम्मेदारियाँ उसकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज़ वो होती हैं अगर आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं जिनसे कि वो आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ड्यूटीज़ को पूरी तरीके से कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है नहीं तो ट्रेनिंग के द्वारा हम उन सारे रिक्वायर्ड स्किल्स को नॉलेज को फिल कर सकते हैं तो ट्रेनिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपके नॉलेज को बढ़ाता है और आपकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें कोई गैप है उसको फ़िल करने में आपकी मदद करता है ताकि एम्प्लॉज़ जो अपनी प्रेजेंट जॉब है उसको बेहतर तरीके से पूरा कर सकें और उसकी प्रोडक्टिविटी हम इंक्रीज़ कर सकें इन्हांस कर सकें ये ट्रेनिंग का उद्देश्य रहता है आज के ज़माने में ट्रेनिंग पे एम्फिस ज़्यादा क्यों दिया जाता है क्यों सभी संगठन चाहती हैं कि उनको कर्मचारी प्रशिक्षण देना चाहिए इसको करने से क्या बेहतर उनको हासिल होगा उसके बारे में जानते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ में इंक्लूड ट्रेनिंग प्रोग्राम बट मे ऑल्सो इंक्लूड सपोर्ट फ्राम टेकिंग कोर्स ऑफर्ड आउटसाइड दी कंपनी सेल्फ स्टडी लर्निंग थ्रू जॉब रोटेशन जैसा कि हम जानते हैं सारे ही संगठन जो हैं वो चाहते हैं कि उनके जो कर्मचारी हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज और स्किल्स गेन करें इसके लिए वो क्या करते हैं एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करते हैं अपने एम्प्लॉज़ को वो चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आगे और पढ़ें जिसके लिए कंपनी में भी वो पढ़ सकते हैं कंपनी के बाहर सेल्फ स्टडी भी वो कर सकते हैं और कंपनी में रह के उनको अलग अलग जॉब्स पे रोटेट कराया जाता है अलग अलग कार्य उनका चेंज किया जाता है जिसकी वजह से उनको डिफरेंट जॉब्स के बारे में भी बहुत हद तक जानकारी हासिल होती है जो इनको एक ट्रेनिंग के फॉर्म में प्रोवाइड की जा रही है इसके अलावा जो ऑनगोइंग प्रोसेस है वो परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में काम आता है डायरेक्टली और जब आपकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होगी इट विल हेल्प डायरेक्टली मेजर एंड ऑर्गेनाइजिंग वन टाइम ट्रेनिंग इवेंट्स आज के समय पे बहुत ज़रूरी है कि ट्रेनिंग हम हर समय करते रहें ऐसा नहीं कि हमने उसको कर दिया और फिर बंद कर दिया कंटिन्यूस प्रोसेस है इसको हमें लगातार अलग अलग समय पे करते रहना चाहिए ट्रेनिंग नीड्स टू डिमॉन्स्ट्रेट टू एग्जीक्यूटिव मैनेजर ट्रेनिज दी बेनिफिट्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि हम अधिकारियों प्रबंधों और प्रशिक्षणों को प्रशिक्षण के लाभ को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है ताकि उन्हें पता चले कि कैसे इस ट्रेनिंग के द्वारा लोगों की नॉलेज लोगों की एफिशिएंसी जो है जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो कैसे बढ़ रही है लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग इवेंट इन विच सीनियर मैनेजमेंट ट्रेनिंग मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज़ हैव ओनरशिप इससे क्या होता है कि आप चीज़ों की एक ओनरशिप कहीं ना कहीं आप स्वावित महसूस करने की कोशिश करते हैं कि आपको ये कार्य आता है और इस कार्य को आप अच्छे तरीके से कर पाएंगे तीसरा ट्रेनिंग बिंग यूज टू तो अटेन स्ट्रैटेजिक बिजनेस ऑब्जेक्टिव विच हेल्प कंपनीज गेन अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज आप अपने कर्मचारियों को जो प्रशिक्षण देते हैं तो वो बेहतर बनते हैं और यही बेहतर उनके अंदर की चीज़ें आपको ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रैटेजिक प्लानिंग गेन करने में मदद करती हैं और आपको इससे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है जो भी आपके कॉम्पिटिटिव हैं या कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे बेहतर आप कर पाएंगे क्योंकि कोई भी संगठन को चलाने के लिए हमारे पास अच्छे कर्मचारी होने चाहिए अगर हमारे एम्प्लॉयज़ के पास रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स है अगर वो कैपेबल हैं उनके अंदर उतनी पोटेंशियल है तो ज़रूर आपका जो संस्थान है वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज गेन करेगा क्योंकि कोई भी रिसोर्स किसी काम की नहीं है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है किसी भी संस्थान के लिए वो मानव संसाधन मानव संसाधन का जो विकास है वो इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉम्पिटिशन हैं जो चेंज इन टेक्नोलॉजी है चेंज इन प्रोडक्शन प्रोडक्शन मैथड्स हो रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम प्रतिदिन अपने कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण दें ताकि वो अपने आप को बेहतर से बेहतर बना सकें इसी में हम बात करेंगे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन्हें हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे उनको यहाँ हमने चार भाग में आगे पढ़ेंगे जिसमें हमारा सबसे पहले है इंडिविजुअल लेवल या इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव क्या होता है ट्रेनिंग का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव क्या है और सोसाइटल ऑब्जेक्टिव क्या है तो सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत उद्देश्य की जब भी हम ट्रेनिंग देते हैं किसी भी कर्मचारियों को तो कर्मचारियों को उनके व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं जो बदले में किसी संगठन में व्यक्तिगत योगदान को बढ़ाता है अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में कर्मचारियों को प्रशिक्षण देते हैं तो उनका इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड हो रहा है क्योंकि उनके अंदर वो रिक्वायर्ड नॉलेज और स्किल्स बन रही हैं जिससे वो बेहतर बन रहे हैं और जब उनका जब वो बेहतर बनेंगे तो उनका वो मोराइल भी हाई करेगा और उनकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाएगा दूसरा जो उद्देश्य है वो है संगनात्मक उद्देश्य जिसमें व्यक्तिगत प्रभावशाली शालीनता से लाकर संगठन को उसके प्राथमिक उद्देश्य में सहायता करता है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन विद इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बाय ब्रिंगिंग इंडिविजुअल इफेक्टिवनेस डेफिनेटली अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का जो कर्मचारी है अगर वो बेहतर हो रहा है उसकी प्रोडक्टिविटी और इफेक्टिवनेस बढ़ रही है तो सीधा सीधा ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में सहायता मिलती है तीसरा जो इसका उद्देश्य है वो है फंक्शनल ऑब्जेक्टिव जिसको हम कार्यात्मक उद्देश्य भी कहते हैं ये मेंटेन करता है डिपार्टमेंटल्स कंट्रीब्यूशन को एट दी लेवल सूटेबल टू दी ऑर्गेनाइजेशनल नीड जितने भी हमारे विभिन्न प्रकार के कार्य हो रहे हैं संगठन में वो सभी एक दूसरे से जुड़े हैं जैसा कि हम जानते हैं मानव संसाधन जो प्रबंधन है वो दूसरे प्रबंधों से जुड़ा हो चाहे वो फाइनेंस मैनेजमेंट की बात होती हो चाहे वो मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात हो क्योंकि किसी भी संस्थान में कोई एक एक्टिविटी नहीं होती है बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ कार्य करते हैं जो अलग अलग विभिन्न विभागों को टेक केयर करते हैं तो ये सारे ही जो फंक्शंस हैं इसमें बहुत जरूरी है कि एक जुड़ाव बना रहे और वो जुड़ाव तभी बनेगा जब आपके संस्थान के सारे कर्मचारी जो हैं अपने कार्य को ठीक प्रकार से कर रहे होंगे और लास्ट इसमें आता है सामाजिक उद्देश्य ट्रेनिंग का जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य है वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशनल और फंक्शनल से बाहर निकल के सामाजिक उद्देश्य तक भी दिखाता है क्योंकि ये सुनिश्चित करे कि एक संगठन समाज की जरूरतें और उनकी चुनौतियों के प्रति नैतिक और सामाजिक रूप से जिम्मेदार है ताकि आप एथिकली और सोशली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेकअप करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के नीड्स और चैलेंजेस को फुलफिल करता है इसके आगे हम बात करते हैं रीज़न फॉर एम्फेसाइजिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल क्या ज़रूरत है किसी भी कर्मचारी के ग्रोथ और डेवलपमेंट की क्यों हम इसको एम्फेसाइज करते हैं क्यों हम इसे इतना महत्व दे रहे हैं उसके पीछे के कारण क्या हैं सबसे पहला कारण है ऐसे कर्मियों के लिए आसानी से उपलब्ध और पर्याप्त परिस्थितियों का एक पूल बनाया जाए जो संगठन छोड़ सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले एक पूल क्रिएट करते हैं एक लोगों का एक समूह बनाते हैं जिसमें रेडिली अवेलेबल एडिक्वेट प्लेसमेंट ऑफ पर्सनल हु में लीव और मूव अप इन दी ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ सकते हैं या जो लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं फॉर दी प्रमोशन ठीक है उसके अलावा हम क्या करते हैं इन्हेंसिंग दी कंपनीज एबिलिटी टू अडॉप्ट एंड यूज़ एडवांस इन द टेक्नोलॉजी बिकॉज ऑफ सफिशेंटली नॉलेजेबल स्टाफ इसमें आप क्या करते हैं पर्याप्त रूप से जानकार कर्मचारियों के कारण प्रौद्योगिक में प्रगति को अपनाने और उपयोग कराने की कंपनी की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं ताकि आप लोगों की स्किल्स को और नॉलेज को उसके हिसाब से बढ़ा सकें तीसरा आप बिल्ड करते हैं मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड हाईली मोटिवेटेड टीम विच इन्हेंसेज दी कंपनीज कॉम्पिटिटिव पोजीशन एंड इंप्रूव्स इम्प्लॉयी मोरियल आप इसके द्वारा कंपनी की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को बढ़ाते हैं ताकि जो कंपनी है वो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज गेन कर सके और जो आपके कर्मचारी हैं उनका मनोबल में सुधार आ सके इसके अलावा आप इंश्योर करते हैं एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स फॉर दी एक्सपेंशन इनटू टू न्यू प्रोग्राम आप लोगों को इसलिए भी प्रशिक्षण करते हैं ताकि जब आपका जो संगठन है जो ग्रो कर रहा है जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है आप लोगों को उस ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी तैयार कर सकें उनकी प्रोडक्टिविटी को भर्ती हो उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी जो हैं वो प्रशिक्षण लें आप चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय टर्नओवर रेट है वो कम हो जाए आपके यहाँ से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो जल्दी छोड़ के नहीं जाएंगे अगर उन्हें लगता है कि जो संगठन है उनके प्रशिक्षण पे उनको खर्चा कर रहा है उनके इंडिविजुअल लेवल पे उनको ग्रोथ मिल रही है उनको नॉलेज उनकी स्किल्स इन्हांस हो रही है क्योंकि केवल संगठन को इससे बेनिफिट नहीं होता इससे इंडिविजुअल को बहुत बड़ा बेनिफिट होता है उसको भी लगता है कि उसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ने से वो अपने कार्य को बहुत अच्छे से कर पा रहा है और जब कार्य को वो अच्छे से कर पाएगा उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को आपके संगठन को छोड़ के जल्दी नहीं जाएगा इंडिविजुअल की इंक्रीज एफिशिएंसी रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल गेन आप ट्रेनिंग पे खर्चा उसको कॉस्ट के रूप में नहीं कर रहे हैं आप इन्वेस्टमेंट के रूप में करते हैं क्योंकि ये सारी इंक्रीज एफिशिएंसी उनकी डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और जब ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो साफ सी बात है कि संगठन को भी फाइनेंशियल गेन होंगे इसके अलावा डिक्रीज नीड फॉर सुपरविज़न ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेहतर प्रशिक्षण देते हैं अगर उन्हें कार्य ढंग से करना आता है उन्हें मालूम है कि उनके कार्य को कैसे करना है किस तरीके की नॉलेज और स्किल्स की रिक्वायरमेंट है तो उनको लेस सुपरविजन की ज़रूरत होगी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए जो उनको हर समय खड़ा होकर बताए कि क्या करना है कैसे करना है उनको आप इतना खुद से सक्षम बनाते हैं कि वो खुद अपना बिना किसी सुपरविजन के कार्य को बेहतर तरीके से कर पाते हैं इसके अलावा जब हम बात करते हैं नीड फॉर एम्प्लॉय ट्रेनिंग की कर्मचारी प्रशिक्षण की आवश्यकता क्या है क्या जरूरत है कि हम किसी कर्मचारी को प्रशिक्षण दें उसके लिए हमने इसके लिए चार बेसिक ग्राउंड्स में हम इसको आगे डिस्कस करेंगे जैसे सबसे पहले कोई नया कर्मचारी जब किसी संगठन को ज्वाइन करता है किसी संगठन में शामिल होने वाले नए उम्मीदवारों को प्रशिक्षण दिया जाता है क्योंकि जब कोई कैंडिडेट बाहर से आया है उसको नहीं पता आपके संगठन में किस तरीके से कार्य होता है या किस तरीका का कार्य है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उसको क्या कार्य पूरी तरह से करना होगा किस तरह की नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी तो उस समय पर आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं आप उसको प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप उसको बता सकें कि ये जो कार्य है उसको किस प्रकार से किया जाना है इस कार्य को करने में किस तरीके के कौशल की किस तरीके की शिक्षा की ज़रूरत पड़ेगी आप उसके लिए उसको ट्रेनिंग देते हैं यह प्रशिक्षण उन्हें संगठन मिशन दृष्टिकोण नियमों और विनमों और कार्य स्थितियों को परिचित कराता है तो जैसा मैंने बताया कि ये नए लोगों को कंपनी के मिशन कंपनी के विजन कंपनी के रूल्स कंपनी के रेगुलेशंस और कंपनी की वर्किंग कंडीशन किस तरीके से जो संगठन है वो कार्य करती है उसके क्या नियम कानून कायदे हैं उसके क्या उद्देश्य हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव अटेन करना चाहता है उसके विजन और मिशन क्या हैं उसको पूरा करने के लिए हम नए कर्मचारियों को ये प्रशिक्षण देते हैं दूसरा द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आर ट्रेन टू रिफ्रेश एंड एनहेंस देयर नॉलेज जो ये प्रशिक्षण है हम अपने जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं जो हमारे मौजूदा कर्मचारी हैं उनको भी हम ये ट्रेनिंग देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो एनवायरमेंट है हमारी जो टेक्नोलॉजी है हमारा जो आसपास की चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी जल्दी बदलाव के साथ आ रही हैं क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है सभी चीज़ें क्या हो रही हैं बदल रही हैं तो हमें अपने आप को हर समय अपडेट करना होगा हमें अपने अपनी नॉलेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना होगा उसके लिए आप अपने जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं मौजूदा कर्मचारी हैं उनको भी आप ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो अपनी प्रेजेंट नॉलेज को और इन्हेंस और अपडेट कर सकें इसके अलावा ट्रेनिंग हम देते हैं फॉर अपडेशन एंड अमेंडमेंट्स टेक इन प्लेस इन दी टेक्नोलॉजी जब कोई टेक्नोलॉजी में जब किसी आ, पर किसी भी संशोधन में किसी भी टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आता है जब उसमें बदलाव आता है तो बहुत ज़रूरी है कि लोग उस बदलाव को जानें ताकि उस टेक्नोलॉजी से वो कोप अप कर पाए अगर कोई नई चीज़ आ जाती है और हम अपने आप को उसके लायक अपने आप को ट्रेन नहीं करते हैं उस चीज़ के लिए तो हम नहीं कर पाएंगे उसको तो हमें अपने आप को कोप अप करने के लिए बहुत ज़रूरी है अपने एम्प्लाइज़ को प्रेजेंट या करेंट टेक्नोलॉजी से अपडेट कराने के लिए हम उनको ट्रेनिंग दें जैसे कि फॉर एग्जांपल परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट चेंज इन दी प्रोडक्शन कंप्यूटर इम्पार्टमेंट तो इस तरीके के जब बदलाव आते हैं संगठनों में संगठनों की जब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात होती है तो वो नई नई तकनीकियाँ लेकर आते हैं अपने संगठन में उन नई तकनीकियों में उन नए प्रोसेस में बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपने मौजूदा कर्मचारियों को एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकें ताकि वो अगेन अपने आप को अपडेट कर सकें इसके अलावा ट्रेनिंग दी जाती है प्रमोशन और करियर ग्रोथ के लिए आप अगर अपने आप का प्रमोशन करना चाहते हैं अपने एम्प्लॉज़ का प्रमोशन करना चाहते हैं आप चाहते हैं आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रोथ हो उनका आगे डेवलपमेंट हो तो बहुत ज़रूरी है कि आप उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करें ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ सकें और अपने आप को हायर पोजिशन ऑफ जॉब के लिए तैयार कर सकें ट्रेनिंग की जो नीड है वो बेसिकली हम एनालाइज कैसे करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स की जो नीड है वो हम तीन जगह पर स्टडी करते हैं सबसे पहले पूरे ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल जिस संगठन की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर हम ये प्रशिक्षण चालू करना चाहते हैं या लागू करना चाहते हैं उसको हम पूरे एक संगठन को एज अ होल एक 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 समग्र रूप से देखते हैं नौकरी की विशेषताएं फिर हम जानते हैं कि हमारी जो नौकरी है उसके डिस्क्रिप्शन क्या हैं किस प्रकार की नौकरियां हैं जो हम करा रहे हैं और उसमें कितने चेंजेस और अपडेशन की रिक्वायरमेंट है उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि एक इंडिविजुअल पर्सन की क्या नीड है व्यक्तियों की आवश्यकताएँ है, क्या हैं तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए कि एक संगठन को किस तरीके से किस जगह हमें लेके जाना है कैसे उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है दूसरा हम जानकारी करते हैं कि किस प्रकार के कार्य हैं हमारे यहाँ उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं उसकी विशेषताएँ क्या हैं है है। तीसरा हम जानने की कोशिश करते हैं व्यक्तियों की आवश्यकताएँ है, क्या हैं उसके हिसाब से हमारी ट्रेनिंग की नीड एनालाइज़ होती है और जब एनालिसिस करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है वो कुछ इस प्रकार से है कि ट्रेनिंग चाहिए क्यों क्यों प्रशिक्षण की आवश्यकता है इसकी ज़रूरत क्या है किस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है किस टाइप ऑफ ट्रेनिंग हमें लोगों को देनी है क्योंकि अलग अलग विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग होते हैं जिसके द्वारा आप लोगों के शैक्षिक और ज्ञान को बढ़ा सकते हैं तो किस प्रकार के प्रशिक्षण की हमें आवश्यकता है कब प्रशिक्षण की आवश्यकता है कब करना है ये भी बहुत ज़रूरी है आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं लेकिन अगर आप सही समय पर ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो इनफिशेंट हो जाएगा प्रशिक्षण की आवश्यकता कब है और कहाँ है किस जगह पर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है किसको ज़रूरत है किसको देनी है कर्मचारी बहुत सारे हैं संगठन बहुत बड़ी होती है उसमें किस डिपार्टमेंट में कह, कहां पर ज़रूरत है कब ज़रूरत है प्रशिक्षण का संचालन कौन करेगा हु विल बी योर ट्रेनर कौन कंडक्ट करेगा इसको लेने वाला कौन है इंटरनल रिसोर्स हो सकता है आउटसाइडर पर्सन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन किस एरिया में आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं उस एरिया का एक्सपर्टीज कौन है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल पाएंगी और आखिरकार प्रशिक्षण कैसे दिया जाएगा हाउ विल यू बी प्रोवाइडिंग दी ट्रेनिंग ट्रेनिंग देने के बहुत अलग अलग प्रकार हो सकते हैं बहुत अलग अलग मैथड्स हो सकते हैं तो उसमें आपको कौन सा सूटेबल मैथड होगा जिसके द्वारा आपको ये ट्रेनिंग जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सके तो आपने क्या किया ट्रेनिंग की नीड को एनालाइज़ किया ऑन दी अंडरस्टैंडिंग ऑफ थ्री पॉइंट सबसे पहले आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल उसकी क्या रिक्वायरमेंट है जॉब किस प्रकार की हैं और एक जो इंडिविजुअल हैं व्यक्ति की आवश्यकताएँ है, क्या हैं उसके बाद आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे जैसा हमने बात करी वाई वॉट वेन वेयर हु हाउ एंड कंडक्टिंग दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इसके आगे हम बात करते हैं ट्रेनर की देखिए ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है ये हम जान चुके हैं हम नीड्स को समझ चुके हैं हम इम्पॉर्टेंस को जान चुके हैं लेकिन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि ट्रेनर कैसा है देखिए ट्रेनिंग को तो हमें इन्हेंस करना ही है विद स्किल्स एंड नॉलेज लेकिन उनके स्किल्स और नॉलेज में बढ़ोतरी तभी होगी जब हमारा जो ट्रेनर होगा वो उस प्रकार का हो जो बढ़िया और बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण कर सके तो सबसे पहले हम इसमें बात कर रहे हैं पढ़ाए जा रहे विषय को पढ़ाने की इच्छा ट्रेनर वो हो जो उसको पढ़ाना चाहता हो जबरदस्ती आप किसी से कहें किसी की ट्रेनिंग लेने के लिए और उसको उसमें इंटरेस्ट नहीं हो उसको मन ही ना हो पढ़ाने का तो शायद वो ज्ञान अर्जित नहीं कर पाएगा और जो ट्रेनिंग का आपका प्रोसेस है वो इनकम्प्लीट रह जाएगा तो आपको ऐसे ट्रेनर को ढूंढना है जो वो पढ़ाना चाहते हों पढ़ाने की इच्छा रखते हों जैसे पढ़ने के लिए इच्छा होना बड़ा ज़रूरी है ज़बरदस्ती आप किसी को नहीं पढ़ा सकते ऐसे ही ज़बरदस्ती आप किसी से पढ़वा भी नहीं सकते तो ट्रेनर और ट्रेनी दोनों के ही पार्ट में ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी चॉइस होना चाहिए पढ़ना और पढ़ाना सेकेंडली पढ़ाए जा रहे विषय का कार्य साधक ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं इसमें सेकंड पॉइंट यह है पढ़ाए जा रहे विषय का कार्य साधक ज्ञान अ वर्किंग नॉलेज ऑफ अ सब्जेक्ट बीइंग टॉट बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं उसमें आपका कितना ज्ञान है आप कितना जानते हैं अगर आपको इनडेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो आप ऊपरी ज्ञान देके किसी को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दे पाएंगे तो उस सब्जेक्ट की आपको डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है ट्रेनर को होना बहुत ज़रूरी है तीसरा हम इसमें बात कर रहे हैं एबिलिटी टू मोटिवेट पार्टिसिपेंट वॉन्ट टू लर्न ट्रेनर के अंदर ये भी एक कला होती है कहीं ना कहीं कि वो अपने जो ट्रेनीज हैं उनमें ये प्रोत्साहन महसूस कराता है कि उनको मोटिवेट करता है कि वो जानने की इच्छा रखें आपका टीचिंग स्टाइल जो है आपका ट्रेनिंग स्टाइल जो है वो बहुत हद तक ट्रेनीस को मोटिवेट करता है कि वो क्या क्या जानना चाहते हैं एक ट्रेनर का सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत अच्छा होना चाहिए हास्य की एक अच्छी भावना रखनी चाहिए ताकि वो उसको लाइवली बना सके बहुत बोरिंग और बहुत मोनोटोनस ना रखे ताकि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाए जब आप हास्य के एक ह्यूमर के साथ पढ़ाते हैं लोगों को ट्रेनिंग देते हैं तो उन्हें मज़ा आता है करने में और किसी चीज़ को जब हम मजे के साथ करते हैं तो हमारी जल्दी लर्निंग होती है इसके बाद हम कहते हैं डायनेमिक अपियरेंस एंड अ गुड पॉस्चर यह भी बहुत ज़रूरी है कि जो ट्रेनर है उसका फिजिकल अपियरेंस बहुत अच्छा हो देखने में उसकी पर्सनालिटी बड़ी कैरिजमेटिक हो ताकि लोग उससे प्रभावित हो सकें आपकी जो पर्सनालिटी है आपका जो और है वो एक बहुत पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करता है फॉर श्योर अ स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए टॉपिक का आपके विषय की प्रति गहरा जुनून होना चाहिए जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य के प्रति आपका प्रॉपर इंटरेस्ट होना चाहिए एक पैशन होना चाहिए तभी आप उस कार्य को प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे जबरदस्ती आपको लगता है कि नहीं इसको कर लेना चाहिए या किसी ने कहा है तो आप कर रहे हैं लेकिन उसको पैशन के साथ आप नहीं करते हैं, तो उतना इंटरेस्ट आप डेवलप नहीं करा पाएंगे अपने प्रतिभोगियों के प्रति गहरा गहरी करुणा होनी चाहिए इसमें बहुत जरूरी है कि आप अपने पार्टिसिपेंट्स के प्रति जो है वो कंपैशन शो करें बहुत ज़्यादा एरोगेंसी के साथ बात ना करें उनसे बहुत कूल एंड कंपोज हो के आप उनको समझें जबरदस्ती या फोर्सफुली हम किसी भी बात को समझा या सिखा नहीं सकते इसके अलावा अप्रोप्रिएट ऑडियो विजुअल इक्विपमेंट्स होने चाहिए ताकि आप अपने ट्रेनिंग सेशन को बेहतर तरीके से कंडक्ट कर पाएँ ट्रेनिंग करने के लिए बहुत सारे आपको चित्र उनको दिखाने पड़ सकते हैं उनको बहुत सारे दृश्य दिखाने पड़ सकते हैं तो ऑडियो विजुअल एड्स जो हैं ताकि आपकी जो बात है जिस चीज़ पे आप ट्रेनिंग दे रहे हैं वो उन तक बेहतर तरीके से पहुंच सके इसके अलावा हम बात करते हैं महत्व की इम्पोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग जब हम देते हैं किसी भी संगठन में कर्मचारी प्रशिक्षण जब होता है तो उससे क्या फ़ायदे मिलते हैं या उसका महत्व क्या है उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले हम कह रहे हैं कर्मचारियों के मनोबल में सुधार जो कर्मचारी हैं जो एम्प्लॉइज़ आपके यहाँ काम कर रहे हैं जब आप उनको ट्रेनिंग देते हैं जब आप उनको डेवलप करते हैं तो उन्हें बड़ा सेंस ऑफ सैटिस्फैक्शन महसूस होता है क्योंकि ये एक चीज़ है जो एक्चुअली कंपनी उनके लिए कर रही है उनकी खुद की नॉलेज और स्किल्स इससे बढ़ रही हैं और जब आपकी नॉलेज और स्किल्स बढ़ती हैं आपका मोराल इंक्रीज होता है आप ऑर्गेनाइजेशन के प्रति तो अच्छा कर ही रहे हैं लेकिन आप अपने लिए भी बहुत अच्छा एक डेवलपमेंट हो रहा है आपकी आपकी ग्रोथ के लिए आपके फ्यूचर प्रमोशंस के एवेन्यूज बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से एक एम्प्लॉय का जो मुराइल है वो बढ़ता है उसके मन से डर खत्म हो जाता है कि वो काम कैसे कर पाएगा उसका काम करने में जो आ, मन है वो ज़्यादा लगेगा क्योंकि उसको बेहतर रिजल्ट दिखने लगेंगे जिसकी वजह से अगेन उसका जो मुराइल है वो बढ़ेगा दूसरा लेस सुपरविजन जैसे हमने पहले भी बात करी थी कम परिवेक्षण करना पड़ता है उनका उनको ध्यान कम देना पड़ता है सीनियर्स को क्योंकि मालूम है उनको कि आपके जो कर्मचारी हैं वो ट्रेंड हैं अपने एरिया में उनको जो काम करना है वो बेहतर तरीके से जानते हैं कि इस कार्य को किस प्रकार से करना है तो उनको सुपरविज़न की ज़रूरत नहीं पड़ती है और सुपरविज़न कॉस्ट जो है वो आपकी रिड्यूस हो जाती है तो कंपनी के स्तर पे अगर हम देखें तो ये कंपनी के लिए फ़ायदेमंद है क्योंकि उनको किसी को सुपरवाइज नहीं करना बार बार जाके बताना नहीं है कर्मचारी अपने कार्य खुद बेहतर तरीके से कर रहे हैं कम दुर्घटनाएं होती हैं ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं जब आप अपने कार्य को करना जानते हैं तो आपकी दुर्घटनाएं होने का जो चांसेस है वो कम हो जाती हैं इसलिए कम हो जाती हैं क्योंकि आपको उसके बारे में ट्रेनिंग दी गई है आपको बताया गया है कि किन किन चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं है कि वो पूरी तरीके से रिमूव हो जाती हैं बट डेफिनेटली उनका जो परसेंटेज है वो रिड्यूस हो जाता है अगर आप किसी को बिना ट्रेनिंग के कोई ऐसा कार्य करने के लिए दे, दे दें जिसमें कि एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा हैं तो डेफ़िनेटली उसका जो परसेंटेज होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा लेकिन आपने पहले से ही किसी को ट्रेन किया हुआ है कि कार्य को किस प्रकार से करना है इसको किस तरीके से हैंडल करना है तो आप उसको ध्यान से करेंगे क्योंकि उसकी जानकारी आपको है और आपकी चीज़ों के एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाएंगे प्रोडक्श प्रमोशन के चांसेस बढ़ जाते हैं डेफिनेटली जब आपकी ग्रोथ नॉलेज बढ़ती है आपके स्किल्स बढ़ते हैं आप बेहतर कार्य को करते हैं तो संगठन में आपके प्रमोशन के जो चांसेस हैं प्रद्धुति के चांसेस जो हैं वो संभावनाएं है, इंक्रीज होंगी इसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है प्रोडक्टिविटी बढ़ने से ही आपका जो मोरैल है वो भी बढ़ता है जैसा कि मैंने पहले कहा था आपके कार्य करने की क्षमताओं में वृद्धि आती है और कार्य करने की जब वृद्धि बढ़ती है क्षमताएं बढ़ती हैं तो आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन होता है कि आप अपने कार्य को बहुत बेहतर तरीके से कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका मोरिएल भी बढ़ता है अब हम बात करेंगे कर्मचारी प्रशिक्षण के प्रकार कर्मचारी प्रशिक्षण दो प्रक्रियाओं के द्वारा की जाती है इसमें नौकरी के प्रशिक्षण पर जिसको हम ऑन दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं नौकरी पे कार्य करते करते आपको जब प्रशिक्षण दिया जाता है वो आपका ऑन दी जॉब ट्रेनिंग होती है और जब नौकरी से बाहर आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कार्य जहां आप करते हैं उसके अलावा दूसरी जगह पर आपको ट्रेन किया जाता है तो उन मेथड्स को हम ऑफ दी जॉब मैथड का नाम देते हैं तो हम पहले बात करेंगे ऑन दी जॉब मैथड्स में ऑन दी जॉब मैथड जो है वो ट्रेनिंग के वो क्या है उसके बारे में हम जानकारी करते हैं यह सामान्य कामकाजी स्थिति में वास्तविक उपकरणों उपकरण दस्तावेजों या सामग्रियों का उपयोग करके होता है जिनका उपयोग प्रशिक्षण पूरी तरह से प्रशिक्षित होने पर करेंगे बेसिकली क्या कहा जा रहा है कि आपको उसी जगह पर ट्रेनिंग दी जा रही है जहां पर वो कार्य आप करते हैं इट टेक्स प्लेस इन अ नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जो आपकी कार्यस्थल है जहां पर आप कार्य करते हैं जो आप एक्चुअल में टूल्स और टेक्निक्स और इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स और मटीरियल आप यूज़ कर रहे हैं अपने कार्य करने में वहीं पर ही आपको उसी जगह पर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है तो ऐसे तरीकों को हम ऑन दी जॉब मैथड्स का नाम देते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग हैज जनरल रेप्यूटेशन एज मोस्ट इफेक्टिव फॉर वोकेशनल वर्क आपका जो वोकेशनल वर्क है उसके लिए आपकी ऑन दी जॉब मैथड की जो ट्रेनिंग होती है वो बेहतर मानी जाती है सो so, व्यवसायिक कार्यों के लिए ऑन दी जॉब प्रशिक्षण को सबसे प्रभावी माना जाता है इसके अलावा ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में हम क्या करते हैं इट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम दी Uh, जो ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग है बेसिकली जो दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया था ऑन दी जॉब नौकरी जहां आप कार्य करते हैं उसी जगह पर और इसी के विपरीत है आपका ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग इट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम दी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन जहां आपको कार्य करना है वहां पर नहीं उससे अलग हटके आप इसको जब ट्रेनिंग देते हैं तो उस मैथड को हम ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग कहते हैं एम्प्लाइज दैट एम्प्लॉय डू नॉट काउंट एज अ डायरेक्टिव प्रोडक्टिव वर्कर फॉर सच ट्रेनिंग टेक्स प्लेस उस तो समय पर जब आप इस तरीके की उसको प्रशिक्षण दे रहे हैं तो वो जो है, वो जो जो एम्प्लॉई है कर्मचारी है वो संगठन का प्रोडक्टिव वर्कर उस समय पर नहीं कहलाया जाएगा ऑफ जॉब ट्रेनिंग के अपने कुछ फायदे हैं क्योंकि ये लोगों को काम से अलग हटके ट्रेनिंग दे रहा है और जब काम से अलग हटके उसको ट्रेनिंग मिलती है तो वो उस ट्रेनिंग पे उन चीजों पे ज्यादा कंसंट्रेट कर पाता है उसका फोकस जो होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि उस समय उसको कार्य नहीं करना उसको सीखना है लेकिन ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में क्या है उसको सीखना भी है और करना भी है तो वो सीखने के साथ साथ करने पर भी फोकस रखता है तो उसका कंसंट्रेशन दोनों चीज़ों में बढ़ जाता है लेकिन ऑफ दी जॉब मेथड में उसको कार्य अभी करना नहीं है उसको केवल कार्य को सीखना है तो सीखने पे उसका फोकस जो है उसका कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा होता है जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ों को ज़्यादा अच्छे समय से सीख पाएगा तीसरा इसमें ये मोर इफेक्टिव और इंकल्केटिंग स्टेप्स जो होते हैं वो इसमें ज़्यादा मिलते हैं इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है अवधारणाओं और विचारों को विकसित करने में अधिक प्रभावी साबित हुआ है ठीक है तो यहाँ पर जब हम ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग देते हैं लोगों को तो उनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके आइडियाज़ जो हैं वो और ज़्यादा इंकल्केट होते हैं और बेहतर बनते हैं क्योंकि उस समय पर जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं आप उतनी ही चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं जो चीज़ आप कर रहे हैं लेकिन ऑफ दी जॉब मेथड में क्योंकि आप उस कार्य को नहीं कर रहे हैं तो आप नई नई चीज़ों को अपने दिमाग में लाते हैं नए नए आइडियाज़ को नई नए कंसेप्ट आपके दिमाग में आते हैं जो उसको और ज़्यादा बेहतर समझने में आपको मदद करेंगे तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मैथड्स को ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मैथड्स में हमारे पास चार तरीके के मैथड्स हैं जिनको हम बारी बारी करके पढ़ेंगे सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं सिखाना जिसको कि हम कहते हैं कोचिंग दूसरा इसमें जो तरीका है वो है सलाह जिसको हम नाम देते हैं मेंटरिंग का कार्य वर्तन जॉब रोटेशन के थ्रू आप ऑन दी जॉब ट्रेनिंग करते हैं या कार्य निर्देशिक तकनीक के द्वारा जिसको हम जॉब इंस्ट्रक्शन टेक्निक भी कहते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे कोचिंग की कोचिंग एक ऐसा तरीका है जिसमें हम ऑन दी जॉब रह के ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ये वन टू वन इंट्रैक्शन है जब आप किसी को कोचिंग करते हैं तो आप कोचिंग में सामने वाले व्यक्ति से सामने बात कर रहे हैं वन टू वन इंट्रैक्शन है इसमें आप बहुत लंबे या बड़े समूह को आप इसमें नहीं सिखाते एक साथ आप वन टू वन एक से एक व्यक्ति को सिखाते हैं और इसीलिए जो कोचिंग मेथड होता है वो ज़्यादातर आपका जो टॉप लेवल पोजीशंस पे जब हमें ट्रेनिंग देती हैं इसको सी ट्रेनिंग भी ट्रेनिंग मेथड भी कहते हैं इसलिए ये वहाँ पर ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा इंट्रैक्शन होता है वो एक एक से एक बात करके होता है यहाँ सी की सुविधा के अनुसार किया जा सकता है क्योंकि इसको सी ट्रेनिंग कहते हैं तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जाती है कोचिंग के द्वारा वो ट्रेनी के कन्वीनियंस के बेसिस पे दी जा सकती है कि उसको कब चीज़ें सीखनी है या कब वो अवेलेबल है ट्रेनी ट्रेनर आपस में मिल डिसाइड कर सकते हैं और ये बड़े कन्वीनियंट फॉर्म में की जा सकती है इट कैन बी डन ऑन फोन मीटिंग्स थ्रू ई मेल्स थ्रू चैट किसी भी ज़रिए से आप कोचिंग कर सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आमने सामने बैठ के ही आप कोचिंग करें आप सामने वाले व्यक्ति को फ़ोन पर भी उसको मीटिंग के द्वारा उसको ईमेल के द्वारा उसकी चैट के द्वारा उसको बता सकते हैं कि कार्य को किस प्रकार से आगे करना है ये किसी विशेषज्ञ से फीडबैक प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है यह आपको सुविधा देता है आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप उस पर्सन से फीडबैक ले सके अपने कार्य के बारे में जो उसमें एक्सपर्ट है क्योंकि कोचिंग जो होती है या जो हमारा कोच होता है अमूमन हम उसी को अपना कोच बनाते हैं जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्टाइज नॉलेज रखता है उसको उस चीज़ का पूरा संपूर्ण ज्ञान होता है तो आपको कार्य करने में फीडबैक मिलता रहेगा और जब फीडबैक आपको मिलता रहेगा आप अपने कार्य को उतना ही बेहतर कर पाएंगे इसके अलावा ये कमजोरियों को पहचान करने और उस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है कोच जो होता है क्योंकि आपको वन टू वन कोचिंग दे रहा है वो देखता है कि आप किस तरीके से कार्य कर रहे हैं तो उस कार्य में जहाँ भी आपसे गलती होती है या जहाँ भी कोई कमी है जहाँ पर वो कोई वीकनेस पकड़ लेता है उस पर आपको फोकस करने की डी कहता है और इसी तरह से वो आपको और ज़्यादा बेहतर बना रहा है इसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं कि उसका जो ध्यान है वो केंद्रित ना रहे इसलिए यहाँ पर आपको कोचिंग में ये बेनिफिट मिलेगा कि आप फोकस्ड वे में वो सारी चीज़ें समझ पाएंगे कर पाएंगे जो आप एक्सपर्ट्स के द्वारा करना चाहते हैं उनके अंडर में सीखना चाहते हैं तो ऐसे मेथड को हम कोचिंग मेथड का नाम देते हैं किस तरीके से ये किया जाता है कोचिंग जो तकनीक है उसका प्रोसीजर क्या है उसकी प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम जानते हैं सबसे पहले हमें अपने पार्टिसिपेंट्स को समझना है उनकी नॉलेज स्किल्स एटीट्यूड और जो भी रिसोर्सेज हैं रिक्वायर्ड uh, रिसोर्सेज हैं वो हमें मीट uh, करनी है डिज़ायर्ड एक्सपेक्टेशन से मतलब कि हम क्या कह रहे हैं वांछित तो उपेक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिभागी की नौकरी उसका ज्ञान उसका कौशल उसकी दृष्टिकोण और आवश्यक संसाधनों को समझें किसी को भी गाइड करने से पहले किसी को भी uh, कोचिंग करने से पहले बहुत ज़रूरी है कि आप उन सारी चीज़ों को समझें तभी आप उसको सही डायरेक्शन में कोचिंग दे पाएंगे आप किसी भी अनजान व्यक्ति को कोचिंग दें तो वो इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि आप उसके बारे में नहीं जानते हैं उसकी नॉलेज के बारे में आप नहीं जानते उसके स्किल्स के बारे में आपको जानकारी नहीं है वो किस प्रकार का व्यक्ति है उसका एटीट्यूड कैसा है चीज़ों के प्रति पॉजिटिव है या नेगेटिव है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अलग अलग तरीके से चीज़ें सिखा सकते हैं कार्य करने का तरीका पॉजिटिव वे में भी सिखाया जा सकता है और नेगेटिव वे में भी सिखाया जा सकता है जैसे हम बात करते हैं मोटिवेशन की मोटिवेशन हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव हो सकता है उदाहरण के तौर पर पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को मोटिवेट करना है हमें किसी संगठन में हम उससे ये कह सकते हैं कि आप अगर इस कार्य को करेंगे तो आपको ये मिलेगा तो ये मोटिवेट करने का क्या तरीका हो गया पॉजिटिव क्योंकि उसका जो एटीट्यूड है पर्सन का वो पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम उसको पॉजिटिव चीज़ें दिखाकर मोटिवेट कर रहे हैं एक पर्सन ऐसा हो सकता है जो उसका एटीट्यूड बड़ा ही नेगेटिव है और उसको हम अलग तरीके से मोटिवेट करेंगे जैसे हमने कहा कि अगर वो इस कार्य को नहीं करता है तो उसको ये सारे नुकसान देखने को मिलेंगे या उनसे ये चीज़ें ले ली जा सकती हैं तो ये भी एक मोटिवेट करने का तरीका है बट हम इसको नेगेटिव फॉर्म में कर रहे हैं तो जो कोच है उसको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी होना जरूरी है उसके नॉलेज उसके स्किल्स उसके एटीट्यूड और क्या क्या चीज़ें उसको ज़रूरत पड़ेंगी कोचिंग के लिए उन सारी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट उसको पता होनी चाहिए दूसरा हम इसमें बात करते हैं मीट दी पार्टिसिपेंट्स एंड म्यूचुअली एग्री ऑन दी ऑब्जेक्टिव दैट हैज़ टू बी अचीव आपको इसमें क्या करना होगा आपको उससे मिलना होगा जिसको कि आपको कोच करना है तो जो पर्सन है आपस में वो एक दूसरे के साथ मिल बात करें और ये देखें कि इसका ऑब्जेक्टिव अटेन करना कैसे है क्या चीज़ आप अटेन करना चाहते हैं आप चाहते क्या हैं दोनों के बीच में एक समान ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि व्हाट ऑब्जेक्टिव एक्चुअली दे नीड टू अटेन उसी डायरेक्शन में उसको फिर कोचिंग दी जाती है कार्य के दौरान प्रतिभागी को बताएं कि उद्देश्य को कैसे प्राप्त किया जाए प्रदर्शन का निरीक्षण करें और फिर प्रतिक्रिया दें इसमें आप क्या करते हैं कि उनको बताते हैं कि कार्य को किस प्रकार से करना है कार्य को करके दिखाया जाता है बताया जाता है और उनको बार 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 फीडबैक दिया जाता है कि इस कार्य को आप कैसे कर रहे हैं तो आखिर में हम यही करते रहते हैं कि रिपीट करते रहते हैं अपना फोर्थ स्टेप जो है हमारा कि कार्य को कैसे करना है प्रतिभागी को हम ये बार बार बताते हैं और अगर हमें कहीं कहीं कोई कमी लगती है तो हम उसको फिर से गाइड uh, करते हैं फिर से हम उसको गाइड कोचिंग uh, करते हैं ताकि वो अपने इस चीज़ में बेहतर से बेहतर कर सके तो ये हमारे प्रोसीजर है कोचिंग का जिसमें हम अपने uh, जो पार्टिसिपेंट है उसको जानकारी लेते हैं उसकी नॉलेज और स्किल्स की जानकारी लेते हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको हम अटेन करते हैं जो जो हमारे coach, जो पर्सन है उसका क्या ऑब्जेक्टिव है वो क्या अटेन करना चाहता है उसको हम बता करते हैं एक म्यूचुअली अराइव प्लान और स्केड्यूल बनाते हैं कि कैसे हमें ये करना है और फिर उसको करके दिखाते हैं बताते हैं और तब तक बताते रहते हैं जब तक कि वो उसमें बेस्ट रिजल्ट ना दे दें इसके बाद जो दूसरी तकनीक है हमारी वो है सलाह मेंटरिंग मेंटरिंग में हम क्या करते हैं मार्गदर्शन का एक सत संबंध है जो एक वरिष्ठ और करिष्ठ कर्मचारी के बीच विकसित होता है मार्गदर्शन इस बात का मार्गदर्शन और स्पष्ट समझ प्रदान करता है कि संगठन कनिष्ठ कर्मचारी को अपने दृष्टिकोण और मिशन को कैसे प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ाता है तो मोटी मेंटरिंग मैं, क्या है एक एक रिलेशनशिप है एक एम्प्लॉई और मेंटर के बीच में या मेंटी या मेंटर के बीच में हम इसको एम्प्लॉय का नाम नहीं देते हैं जिसकी ट्रेनिंग की जा रही है उसको हम मेंटी बोलते हैं और जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको हम मेंटर का नाम देते हैं और इन दोनों के बीच के प्रक्रिया को हम मैंटरिंग कहते हैं मैंटरिंग क्या करती है गाइडेंस और क्लियर अंडरस्टैंडिंग बताती है ऑर्गेनाइजेशन क्या अचीव करना चाहता है उसके विजन और मिशन क्या है कर्मचारी को बहुत सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान देने चाहिए जब हम मैंटरिंग करते हैं मैंटरिंग करते समय मनोवृत्त विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत ज़रूरी है ये बहुत जरूरी है कि एक मेंटर जो है वो फोकस करे एक मेंटी का एटीट्यूड डेवलपमेंट किस प्रकार से वो कार्य करना चाहता है उसका एटीट्यूड क्या है काम के प्रति उसके डेवलपमेंट के लिए वो कार्य करें ये जो मैंटरिंग का जो काम है वो ज़्यादातर मैनेजमेंट लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ के लिए किया जाता है जो मैंटरिंग एक ऑन दी जॉब ट्रेनिंग मेथड है वो मैनेजमेंट लेवल के लोगों को दी जाती है तीसरा हम कर रहे हैं मैंटरिंग इज डन बाय समन इनसाइड दी कंपनी देखिए आपका मेंटर वही बन सकता है जो आपसे लॉन्ग लास्टिंग एक रिलेशनशिप भी बनाता हो कोचिंग में आप उसको प्रोफेशनल बेसिस पे भी कोचिंग करते हैं लेकिन मैंटरिंग में बहुत ज़रूरी है कि आपका प्रोफेशनल के साथ साथ इमोशनल एक कनेक्ट आपके मेंटर के साथ जो होता है वो डेवलप होता है तभी वो मेंटरिंग अच्छी होगी क्योंकि आप उसको सही तरीके से जब सलाह नहीं देते एक सिंपथी तो होती ही है लेकिन आप इसमें एम्पथी भी रखें तभी आप बेहतर तरीके से कोचिंग मैंटरिंग uh, कर पाएंगे यह एक से एक बातचीत होती है वन टू वन इंट्रैक्शन है ये भी कोचिंग की तरीके से बहुत सारे लोगों की आप एक साथ नहीं करते हैं बट हाँ जिसमें भी आप मैंटरिंग कर रहे हैं उससे आप वन टू वन इंट्रैक्शन कर रहे हैं इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग वीकनेस एंड फोकस ऑन द एरिया दैट नीड्स इंप्रूवमेंट और जब आप एक दूसरे से बात करते हैं जब एक दूसरे की बातों को आप समझते हैं तो आप ये भी जानकारी करते हैं कि क्या क्या कमजोरियां हैं किन चीजों पे आपको और बेहतर तरीके से ध्यान देना है इसके अलावा जो तीसरी तकनीक है हमारी उसको हम नाम देते हैं जॉब रोटेशन का कार्यवर्तन जैसा कि नाम वैसा ही इसकी तकनीकी का इस्तेमाल होता है ये बहुत सिंपल और बहुत एक रेगुलर यूज़ करने वाली तकनीक है जो अमूमन ऑर्गेनाइजेशन में की जाती है संगठन इसका प्रयोग करती हैं इसमें आप कर्मचारी को एक जॉब से दूसरे जॉब पर रोटेट कराते हैं ये जानने के लिए कि दूसरे जॉबों में और क्या नई नई चीज़ें हैं जो वो सीख सकें इससे बदलाव करते हैं आप एक जॉब से दूसरे जॉब में और दूसरे जॉब में जाकर वो नई नॉलेज और नई स्किल्स को सीखता है जो उस जॉब को करने के लिए रिक्वायर्ड होती है तो ये जो अप्रोच है अलाउ करता है मैनेजर को टू ऑपरेट इन अ डाइवर्सिफाइड रोल इससे आपको क्या है कि अलग अलग विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए आपको तैयार किया जाता है ताकि आप समझ सकें डिफरेंट प्रॉब्लम्स को डिफरेंट इश्यूज को जो आगे आ सकती हैं और सम वन टू बी अ अरपोरेट लीडर अगर आप किसी कॉरपोरेट का लीडर बनना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके की तकनीक का इस्तेमाल करें क्योंकि लीडर वो है जिसको सब चीज़ के बारे में ज्ञान होना चाहिए उसको एक पर्टिकुलर एरिया का नॉलेज होने से काम नहीं चलेगा उसको मालूम होना चाहिए कि डाइवर्सिफाइड रोल्स को कैसे प्ले किया जाता है और डाइवर्सिटीफाइड रोल्स को आप तभी प्ले कर सकते हैं जब आपने अलग अलग कार्य पर कार्य किया हो तो जॉब रोटेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टेक्निक है आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटीज़ को डेवलप करने की इसी में आगे हम बात करते हैं रिसेंट स्टडी है जो अभी एक हाल ही में जो अध्ययन किया गया उसमें यह बताया गया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट फैक्टर दैट लीड्स टू लीडर्स अचीवमेंट वॉज दी वेराइटी ऑफ एक्सपीरियंसिस इन डिफरेंट डिपार्टमेंट बिजनेस यूनिट सिटीज एंड कंट्रीज तो जितना ज्यादा आप भ्रमण करते हैं चीजों का जितना ज्यादा आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं रोटेट होते हैं चाहे वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी चेंज किया जा रहा हो डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स में आपको रोटेट किया जा रहा हो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भेजा जा रहा हो एक सिटी से दूसरी सिटी में भेजा जा रहा हो तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपको गेन करने को मिलेंगे जिनके द्वारा आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं आप आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को की इश्यूज को आप एड्रेस करते हैं तो इससे आपकी जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो इन्हांस होती हैं इसके अलावा जॉब uh, रोटेशन एक ऑर्गेनाइज और हेल्पफुल वे है टू डेवलप टैलेंट फॉर द मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जो आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसमें आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे आप इसको चूज़ करते हैं ताकि आप उनके टैलेंट को और बेहतर बना सकें अब हम कुछ बात करेंगे बेनिफिट्स की जॉब रोटेशन तकनीक जो है इसके कुछ फ़ायदे होते हैं ये कर्मचारियों को विभिन्न विभागों व्यवसायिक इकाइयों कार्यों और देशों में काम करने करके ज्ञान कौशल और क्षमताओं को शिक्षित और व्यापक बनाने के अवसर प्रदान करता है ये क्या करता है लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है ताकि वो अपने हॉरिजोन को बढ़ाएँ अपनी नॉलेज का जो हॉरिजोन है जो दायरा है उसको ये बढ़ाएं अपनी स्किल्स को अपनी एबिलिटीज़ को बढ़ाएं अलग अलग जगह पर काम करके अलग अलग विभाग में काम करें तरह तरह के कार्य को करके और तरह तरह की कंट्रीज़ में जाके कार्य करने से दूसरा ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एटीट्यूड रिक्वायर्ड होती है ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण की पहचान करना आवश्यक है कि आपके पास कितनी नॉलेज कितनी स्किल्स हैं तो अलग अलग जगह पर आपको कार्य करा के आपके ज्ञान का आपके कौशल का और आपके दृष्टिकोण का भी ये पहचान कराता है इसके अलावा इट डिटरमाइंस द एरिया वेयर इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इसके साथ साथ आपको ये भी बताता है कि आपको कहाँ पर और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है जहाँ पर आप अपने आप को डेवलप कर सकें जब आप विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं तो आपको उन कार्य करने की क्षमताओं के बारे में पता चलता है अपनी क्षमताओं के बारे में पता चलता है तो आप उन एरियाज़ पे और ज़्यादा फोकस्ड कर सकते हैं जहाँ पर आपको और ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है उन कर्मचारियों का मूल्यांकन जिन पर पद भरने की क्षमता और क्षमता हो ऐसे लोगों का भी आप असेसमेंट कर सकते हैं जिन लोगों में वो पोटेंशियल और कैलेबर है अगर आपको आगे चल के प्रमोशन कराना है एम्प्लॉई का उसको उच्च स्तर पर लेके जाना है तो आप जॉब रोटेशन की प्रक्रिया के, के थ्रू उनके पोटेंशियल का उनके कैलेबर का अंदाज़ा लगाते हैं कि वो अलग अलग जगह पर किस प्रकार से कार्य कर रहे थे और उस कार्य को करने में उनकी क्षमताओं का प्रदर्शन होता है जो उन्हें हेल्प करता है आगे प्रमोट करने में अब हम ऑन दी जॉब की आखिरी तकनीक के बारे में बात करेंगे जिसको हम बात करते हैं नाम देते हैं जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग की जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग जो है उसमें हम क्या करते हैं अलग अलग प्रकार से इसमें इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेनिंग है उसको हम बताते हैं कि कार्य को कैसे करना है तो इसको चार पार्ट में हम कर रहे हैं सबसे पहले हम बात करते हैं प्लान की प्लान से हम आते हैं कि प्रेजेंट में हमें क्या करना है फिर उसका ट्रायल करते हैं और ट्रायल करने के बाद फॉलोअप करते हैं तो इन चारों ही स्टेप्स को हम वन बाय वन पढ़ते हैं सबसे पहले हमने बात करी योजना प्लानिंग करनी है देखिए कोई भी कार्य करने से पहले हमें योजना बनानी पड़ती है हमें प्लानिंग करनी पड़ती है इस चरण में किए जाने वाले कार्य का लिखित विवरण शामिल है क्योंकि प्रशिक्षण और प्रशिक्षु को ये समझना चाहिए कि कार्य की परिचित के लिए दस्तावेजीकरण आवश्यक है और महत्वपूर्ण है दोनों ही ट्रेनिंग और ट्रेनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस कार्य को करने के लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी एक डॉक्यूमेंटेशन जो तैयार होगा किस तरीके से हम इस आगे इसको इंस्ट्रक्शन देंगे एक एक स्टेप बाय स्टेप हम एक प्रोसेस तैयार करते हैं जिसके द्वारा हम ये इंस्ट्रक्शन उनको देने के लिए तैयार हों अस्ट्रक्टर स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस एंड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन इंश्योर्स दैट ऑल पॉइंट्स आर कवर्ड इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम इस प्लानिंग में हम वो सारी ही चीज़ें लिख लेते हैं पूरी तरीके से उसको स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं कि हमें किन किन बातों पे किन किन विषय पे सिखाना है क्या चीज़ें कवर करनी है तो आपने जब प्रॉपर प्लानिंग कर ली होती है तो चीज़ें छूटने के चांसेस कम रहते हैं और आप पूरी तरीके से पॉइंट्स को कवर कर पाते हैं अब दूसरा पॉइंट जो है जिसमें हमने बात करी प्रेजेंट में वर्तमान में हम क्या करेंगे वर्तमान में स्ट्रन में प्रशिक्षण प्रतिभागियों के कार्य के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते हुए कार्य का सारांश प्रदान कराया जाता है और जब प्रशिक्षित समाप्त कर लेते हैं तो प्रशिक्षण प्रदूषण करता है कि कार्य कैसे करना है और उस विशिष्ट तरीके से क्यों किया जाता है प्रशिक्षु वास्तव में मुख्य बंधुओं और सुरक्षा निर्दोषों पर जोर देते हुए प्रक्रिया का प्रदर्शन करता है तो प्रेजेंट में हमने जो भी उसको इंस्ट्रक्शन दिए थे जो भी चीज़ें हमने प्लान करी थी एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम हमने जो तैयार किया था वो हम उसको इसमें समझाते हैं और उसको बताते हैं कि वो कार्य करके दिखाए अब वो प्रेजेंट में हमें बताए कि किस प्रकार से वो उस कार्य को करेगा जो भी उसको निर्देश दिए गए हैं तो जब वो अपने कार्य को कर देता है तो स्पेसिफिक मैनर में क्यों कराया जाना है क्या सेफ्टी पॉइंट्स हैं जिनका नाम ध्यान उन्हें रखना है वो सारी चीज़ें प्रेजेंट में वो करके बताते हैं इसके अलावा इसका तीसरा जो चरण है उसको हम ट्रायल का नाम देते हैं और ये जो एक स्टेप है वो बेसिकली रिहर्सल है ठीक है इसमें आप रिहर्सल कर रहे हैं तभी आप इसका नाम जो दे रहे हैं वो ट्रायल दे रहे हैं जिसमें ट्रेनी को परफॉर्म करना है वर्क और ट्रेनी इज एबल टू प्रोवाइड ट्रेनर इज एबल टू प्रोवाइड द इंस्टेंट फीडबैक तो इसमें क्या हो रहा है ट्रायल बेसिस पे आप काम कर रहे हैं आप काम करके दिखा रहे हैं और फिर आपका जो ट्रेनर है वो आपको फीडबैक दे रहा है हाथ के हाथ कि आप कार्य किस प्रकार से कर रहे हैं इन दिस स्टेप द फोकस इज ऑन इम्प्रूविंग द मैथड ऑफ इंस्ट्रक्शन बिकॉज अ ट्रेनर कंसिडर दैट एनी एरर इफ अक्रिंग मे बी फंक्शनिंग ऑन ऑफ़ दी ट्रेनिंग इज नॉट दी ट्रेनिंग अगर कोई इसमें क्या करता है बेसिकली ट्रेनर जो है वो अपने इंस्ट्रक्शन देने के तरीके को और बेहतर कर रहा है क्योंकि वो ये मान रहा है कि अगर कोई गलती हो रही है तो वो ऐसा ना हो कि इंस्ट्रक्टर के पार्ट पे हो या इंस्ट्रक्शन के किसी स्टेप्स को समझने के पार्ट पे हो सो so, ये जो स्टेप है अलाउ करता है ट्रेनिंग को टू सी दी आफ्टर इफेक्ट ऑफ यूजिंग एन इन करेक्ट मैथड एंड ट्रेनर देट देन हेल्प द ट्रेनिंग बाई क्वेस्ंग एंड गाइडिंग टू आइडेंटिफाई दी करेक्ट प्रोसीजर जो जो ट्रेनी ट्रेनर है वो बेसिकली ट्रेनिंग को हेल्प करता है कि इस कार्य को और कैसे बेहतर तरीके से हम कर सकते हैं और आखिरी जो चरण है जिसको हम नाम देते हैं फॉलोअप का अनुवृत्ति का नाम हम देते हैं इस स्टेप में ट्रेनिंग ट्रेनर uh, जो है वो चेक करता है कि जो ट्रेनी है वो जॉब को फ्रीक्वेंटली आफ्टर द ट्रेनिंग प्रोग्राम इज ओवर टू प्रेजेंट बैड वर्क हैबिट्स फ्रॉम डेवलपिंग एंड देयर आर वेरियस मैथड्स ऑफ ट्रेनिंग विच कैन बी डिवाइडेड इन टू एंड बिहेवियल मैथड्स सो ट्रेनर्स नीड टू अंडरस्टैंड दी प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ईच मैथड ऑल्सो इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रेनिंग कीपिंग दे बैकग्राउंड एंड स्किल्स इन दी माइंड बिफोर गिविंग द ट्रेनिंग जो फॉलो अप मैथड है वो बेसिकली ट्रेनर्स को मदद करता है ये निकालने में कि जो ट्रेनिंग कंडक्ट की गई है उनकी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में उसका किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है ट्रेनिंग पे जो ट्रेनिंग है उसके दो तरीके से चीज़ों पर हम डिवाइड करते हैं कॉग्नेटिव आस्पेक्ट्स पे और बिहेवियर एक उसके एटीट्यूड में क्या चेंज आया और उसकी लर्निंग में क्या परिवर्तन आया उसको हम जानने की यहाँ कोशिश करते हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेनीज जो हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं उनकी अलग अलग नॉलेज होती है अलग अलग एटीट्यूड से वो काम करते हैं तो उसको हमें जानकारी होना बहुत ज़रूरी है बिफोर वी कंडक्ट ऑन दी जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग ऑन देम अब बात करते हैं एडवांटेजेस की ऑन दी जॉब मेथड ट्रेनिंग के जो हैं उसके फ़ायदे क्या हैं जनरली ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं इसमें आपको अलग से कहीं पे लेके नहीं जाना पड़ रहा वहीं पर जहां पे वो कार्य करते हैं उनकी कार्यस्थली पे ही आप उनको कार्य करने का तरीका सिखा रहे हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड होते हैं इम्प्लॉइज़ आर एक्चुअली प्रोडक्टिव आपके जो कार्य कर्मचारी हैं वो इफेक्टिव हो जाते हैं कार्य करने में प्रोडक्टिव बनते हैं इस इस मेथड के द्वारा जो भी उनको सिखाया जा रहा है क्योंकि वो कार्य पर रहते रहते इस कार्य को कर रहे हैं तो उनका जो काम है वो बेहतर हो जाता है अपॉर्चुनिटी टू लर्न वाइल्ड डूइंग उनके साथ ये बेनिफिट है इसका एडवांटेज ये है कि कार्य करते करते ही वो सीख रहे हैं कहीं पर सीख रहे हैं फिर कहीं आके कार्य कर रहे हैं उसमें कहीं कोई मिसमैच हो रहा है ऐसा उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो वो वही काम को सीख रहे हैं जिस कार्य को वो कर रहे हैं एंड ट्रेनिंग अलॉन्ग साइड रियल कलीग्स वास्तविक सहकर्मियों के साथ प्रशिक्षण जो साथ में जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं जो कलीग्स हैं उनके साथ उनको ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि उनका आपस में जो ग्रोथ है वो एक बेटर रिलेशनशिप एंड कोऑर्डिनेशन भी इनका यहाँ पर बन पाता है इसके अलावा ट्रेनिंग कैन बी डिलीवर्ड ऑन टाइम एंड एट दी ऑप्टिमम टाइम जहाँ पर आप ट्रेनिंग ऑन दी जॉब मेथड में ये भी बेहतर है कि आप उसी समय पर उनको ट्रेनिंग देते हैं जिस समय पर सर्वोत्तम समय पर उनको उसकी ज़रूरत है दी ट्रेनिंग विल हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिसमें जो ट्रेनिंग है वो उसी जगह पर क्योंकि ट्रेनिंग ले रहा है तो हाथ की हाथ वो उसको प्रैक्टिस भी कर सकता है कि जो उसने सीखा है वो उसको अच्छे से कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है इम्प्लीमेंटेशन कर पाता है और जब आप उस चीज़ को हाथ की हाथ प्रैक्टिस करने लगते हैं प्रैक्टिकली तो आपकी जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा आप लंबे समय तक याद कर पाते हैं ट्रेनिंग विल हैव दी फीडबैक्स इससे क्या होता है जो ट्रेनीज हैं उन्हें साथ के साथ फीडबैक मिलता जाता है कि वो उस कार्य को सही तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं तो उनकी उनकी ट्रेनिंग है वो इफेक्टिवली हुई है या नहीं ट्रेनी बिल्ड्स कॉन्फिडेंस बाय वर्किंग विद ओन स्पीड एंड प्रोडक्टिविटी और इससे ट्रेनीज जो हैं उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है उनकी जो आत्मविश्वास है जो वो है वो ज़्यादा होता है क्योंकि वो अपनी एक स्पीड से एक प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते बढ़ते हुए देख रहे हैं कि किस तरीके से ट्रेनिंग उनको उनके कार्य में प्रगति करने में मदद कर रहा है आइए बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मैथड्स की ऑफ दी जॉब ट्रेनिंग मैथड्स में भी हमारे पास यहाँ चार तरीके के मैथड्स हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें सबसे पहले हमारे पास सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जिसको हम संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी कहते हैं लेन देन संबंधी विश्लेषण जिसको हम ट्रांजेक्शनल एनालिसिस का नाम देते हैं व्याख्यान लेक्चर्स के थ्रू हम ट्रेनिंग देते हैं या सिमुलेशन एक्सरसाइज के थ्रू हम ट्रेनिंग दे सकते हैं तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेंसिटिविटी ट्रेनिंग की सेंसिटिविटी ट्रेनिंग जो है वो लोगों को बताता है आपके एक दूसरे के बारे में विच इज़ डन बाय डेवलपिंग इन दैम सोशल सेंसिटिविटी एंड बिहेवियल फ्लैक्सिबिलिटी सेंसिटिविटी ट्रेनिंग में आप लोगों की सोशल सेंसिटिविटी और बिहेवियरल फ्लैक्सिबिलिटीज़ में एक अंडरस्टैंडिंग और एक रिलेशनशिप डेवलप करने की कोशिश करते हैं सामाजिक संवेदनशीलता एक शब्द में सहानुभूति है ये किसी व्यक्ति की यह समझने की क्षमता है कि दूसरे क्या महसूस कर रहे हैं और अपने दृष्टिकोण से क्या सोचते हैं इसमें आप सामने वाले को ये बताते हैं या सामने वाले को इस तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं कि दूसरा आपके बारे में कैसा महसूस करता है और आपका चीजों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है वेयर एज जो बिहेवियरल फ्लैक्सीबिलिटी है वो एक एबिलिटी है टू बिहेव सुटेबली इन दी लाइट ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस तरीके से आपको किसी भी चीज़ के सामने या किसी भी चीज़ के लिए बिहेव कैसे करना है इसमें तीन स्टेजेस होती हैं अनफ्रीजिंग फ्रीजिंग दी ओल्ड वैल्यूज डेवलपमेंट ऑफ न्यू वैल्यूज एंड रीफ्रीजिंग द न्यू वन तो सबसे पहला जैसे हमने कहा अनफ्रीजिंग दी ओल्ड वैल्यूज जो पुराने पैटर्न पे चीजें चली आ रही हैं उनको हमें क्या करना है निकालना है अनफ्रीज करना है तो इसमें आप एक समूह बनाते हैं आठ से दस से पंद्रह लोगों का उनको एक अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आप कार्य करने के लिए देते हैं और ये देखते हैं कि वो किस प्रकार से अपने कार्य को कर रहे हैं अपने आ, अपने साथ के लोगों में से ही फिर वो लीडर को चुनौती करते हैं अज्यूम करते हैं कि कौन इसमें से लीडर होगा कौन आपस में एक दूसरे को गाइडेंस प्रोवाइड करेगा फिर उसमें आप एक दूसरे से मोटिवेट होते हैं और रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं जो अनसर्टेनिटीज़ हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे आप उनका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं और अपने विद इन उन ग्रुप्स में आप कोई हरारकी फॉर्म करते हैं कि कौन किसको निर्देश देगा और कौन किसके अंडर में कार्य करेगा तो ये आपने क्या किया जो पहले एक चली आ रही प्रक्रिया थी उस इस पर्टिकुलर स्टेज में आपने पुरानी सारी चीज़ों को अनफ्रीज किया उसके बाद आप डेवलप करते हैं नई वैल्यूज़ को कि आप इस पर्टिकुलर ग्रुप में आप कैसे नई चीज़ों को लाएंगे ताकि आप नए तरीके से इस कार्य को करने का एक प्रक्रिया शुरुआत करें तो न्यू बिहेवियर्स को और न्यू वैल्यूज़ को आप इसमें एक्सेस करते हैं सेकेंड स्टेज पर और तीसरे स्टेज में आप रिफ्रीज करते हैं न्यू वंस को जो आपने नई वैल्यूज़ और नई आस्पेक्ट्स या नए बिहेवियर आपने क्रिएट करें उसको आप यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं तो ये जो हमारा तरीका है सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का लोगों के आ, आ, बिहेवियर में उनकी सोच में उनके दृष्टिकोण में बदलाव लाने की प्रक्रिया को हम सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का नाम देते हैं इसके अलावा दूसरी तकनीक जो है वो ट्रांजेक्शन एनालिसिस है ट्रांजेक्शन एनालिसिस जो है वो हमारे ट्रेनिंग को रियलिस्टिक और यूजफुल मेथड है किस तरीके से लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करते हैं कैसे हम उनको मोटिवेट करते हैं तो हमने यहाँ पे कहा है कि ट्रांजेक्शन में तीन तरीके की स्टेजेस होती हैं कर्मचारियों की जिसमें सबसे पहला है पेरेंट ईगो स्टेज फिर आता है अडल्ट ईगो स्टेज और फिर आता है चाइल्ड ईगो स्टेज तो पेरेंट ईगो स्टेज हमारा वो है जहाँ पर एक व्यक्ति के जो बिहेवियर और उसके जो एटीट्यूड होते हैं वो बड़े ही इम्पल्सिव होते हैं वो दूसरे पे थोपने की कोशिश करता है क्योंकि उसका जो ईगो स्टेट है वो पेरेंट ईगो स्टेट है और वो उसी तरीके से आदमी से या किसी भी व्यक्ति से बातचीत करता है तो यहाँ पर उसका जो प्रभाव होता है वो थोड़ा सा आइसोलेटेड रिजिड होता है वो व्यक्ति बॉसी होता है तो किस और उसको जो है एक वर्बल जो हमें क्लू मिलता है वो है रेजिंग आईब्रो पॉइंटिंग एंड एक्यूजिंग फिंगर एट समबडी आपने ऐसे क्यों किया क्यों नहीं किया इस तरीके से जब आदमी बात करता है तो वो एक पेरेंट ईगो स्टेट में बात करता है दूसरा आता है हमारा अडल्ट ईगो अडल्ट ईगो में आप सामान्य तौर पे बात करते हैं जहाँ पे आपकी टेस्टिंग रैशनल बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग जैसी चीज़ों पे आप बात करते हैं और तीसरा जब हम चाइल्ड के बारे में बात करते हैं तो चाइल्ड ईगो जो होता है वो बड़ा ही सौम्य तरीके से बात करता है स्पॉन्टेनियस होता है इंटेंस होता है अनकॉन्फिडेंट और रिलिएंट होता है तो ये जो हमारे ट्रांजेक्शन एनालिसिस हैं ये अलग अलग स्टेजेस को बताते हैं और इस प्रकार से हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं उनके ईगो स्टेज के हिसाब से तीसरा भाषण है भाषण जिसको कि हम लेक्चर मेथड कहते हैं ये बहुत ही पुरानी तकनीक है जिसके द्वारा हम पूरे समूह को बड़े समूह को बता सकते हैं ट्रेनिंग कर सकते हैं कि, कि किसी भी प्रकार के कार्य को किस तरीके से किया जा सकता है लेक्चर मेथड के कुछ फीचर्स हैं जैसे कि आप आइडेंट इनएबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड करेक्ट मिसअंडरस्टैंडिंग क्योंकि ये बहुत बड़े समूह के साथ किया जा रहा है तो उसमें बहुत ज़्यादा वन टू वन इंट्रेक्शन नहीं होता लेक्स एक्सपेंसिव है बहुत बड़े लोगों को एक साथ किया जा सकता है ये बिल्डिंग एक्सरसाइजेस बिल्ड करने में आपकी मदद करता है लेस इफेक्टिव है क्योंकि कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत लंबे समय की ज़रूरत पड़ती है और ट्रेनिंग इनएक्टिविटी हो जाती है आखिर में आते हैं आपके गेम्स एंड सिमुलेशन, गेम्स एंड सिमुलेशन आपके कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें आप लोगों को नई चुनौतियां, नए, नए नियम और इंटरक्टिविटी के द्वारा ट्रेन करते हैं हमारे पास कुछ खेल और सिमुलेशन के तरीके हैं सिमुलेशन एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें कि आप क्या करते हैं एक रियल वास्तविक चीज़ों का एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं और वहाँ लोगों को ये सिखाने की कोशिश करते हैं इसमें आप अलग अलग प्रक्रियाएं यूज़ कर सकते हैं जैसे कि बिहेवियर मॉडलिंग आप इसमें यूज़ कर सकते हैं बिजनेस गेम्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं केस स्टडीज़ का आप इस्तेमाल कर सकते हैं इक्विपमेंट सिमुलेटर्स का यूज़ किया जाता है इन बास टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है और रोल प्ले का यूज़ किया जाता है इसी के साथ ये आपके कुछ सोर्सेज हैं जिसमें से इस व्याख्यान का हमने विवरण लिया है आज का व्याख्यान हम आज ही यहीं समाप्त करते हैं धन्यवाद बहुत बहुत आप सभी का